जहिया से गोइल बाड़ गोदी में खेला के, जहिया से गोइल बाड़ गोदी में खेला के, लड़का तोहर के पापा कहता हमारा सैया जी के चाचा कहता, लड़का तोहर के पापा कहता हमारा सैया जी के चाचा कहता। अच्छा, तुम्हारा भोजपुरी में सबसे फेवरेट सिंगर कौन है? हमारा हमारा खेसारी लाल जी है। अच्छा, उनका कोई गाना बताओ जो तुमको अच्छा लगता हो। उनका गाना, उनका सैड सॉन्ग बहुत अच्छा लगता है, कौन सा? जो मेहंदी लगा के रखना फिल्म में है, याद है दो लाइन? याद तो नहीं है। अच्छा, कोई भी गाना याद है? हाँ, गाओ। नील कमल जी का ट्रेंडिंग सॉन्ग चल रहा है। हाँ 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 गाए? हाँ गाओ, खुल के गाओ। जहिया से गोइल बाड़ गोदी में खेला के, जहिया से गोइल बाड़ गोदी में खेला के, लड़का तोहर के पापा कहता हमारा सैया जी के चाचा कहता, आ लड़का तोहर के पापा कहता हमारा सैया जी के चाचा कहता। क्या बात है। अच्छा, संगीत सीखते हो कि नहीं कहीं? नहीं, सीखते नहीं है। अच्छा, सीखने का मन करता है कि नहीं? करता है, ऐसे मेहनत करते हैं हम घर पर। अच्छा, आगे का क्या प्लान है, आगे क्या करना है तुम्हें? आगे हम सोच रहे हैं कि खाली बन जाए। मतलब आगे, मतलब करियर बनाना है जी इसी फील्ड में बनाना है, जी उन्हें लगे हो मेहनत कर रहे हो? हाँ तो मतलब पैसा ठगने वाले से सतर्क अब तक तो हो गए होगे जी। कि फिर से ठगा जाओगे नहीं नहीं कहीं? नहीं मतलब एक बार ठगा गए, अनुभव हो गया, अब नहीं ठगाओगे, है ना? अच्छा, यहाँ पे आके कैसा लग रहा है? यहाँ पर आकर बहुत अच्छा फील हो रहा है। मतलब डर नहीं ना है? नहीं, डर नहीं है। अच्छा, चलो। अच्छा, भोजपुरी में अगर तुमको मौका मिलेगा, अभी तुम बच्चा हो, अगर तुम्हें छोटा सा कैरेक्टर मिलना, एक्टिंग करने का मौका मिलेगा, तो करना चाहोगे? जी, मतलब एक्टिंग में मन लगता है कि गाने में? एक्टिंग में भी लगता है, जैसा रोल दीजिए वैसा करेंगे, गाना भी गाते हैं। अच्छा, गाना भी डांस भी करते हो? जी, डांस भी अच्छा करते हैं। हाँ भाई, खेसारी के बोले के चेले हो तो नहीं उनके सर। उनके चेले हो तो सब कुछ आएगा, गाना, नाचना, डांस करना, सब बहुत अच्छा बात है। अच्छा साहिल, एक बात बताओ, जी, तुम कितने दिन से गाना गा रहे हो? कम से कम 2 साल हो रहा होगा। अच्छा, 2 साल की उम्र से गाना निकालते हुए? जी लेकिन बचपन में गांव घर में तो गाते होगे? हाँ, ऐसा गाते थे घूम घूम कर, जैसे अच्छा, खेत पर जा रहे थे गाते जाते थे, फिर वहां से आते थे तो गाते जाते थे, आते थे। अच्छा, जब तुम बच्चा होगे तो तुम गाना गा रहे होगे, तो तुमको पहला बार तुमको कब लगा कि हम गाना गा सकते हैं, हमको गाना गाना चाहिए? जब हम स्कूल में पढ़ रहे थे ना, अच्छा जैसे स्कूल में पढ़ रहे थे तो एनुअल डे था, अच्छा अच्छा एनुअल डे में हम गाना गाए थे हिंदी सॉन्ग, तो उसी पर मैडम टीचर लोग कहे कि अच्छा आवाज है, अच्छा गा रहा है, इसको भेजा जाए कहीं, अच्छा तो इसीलिए हम यहाँ पर आए। अच्छा मतलब कि स्कूल में ही तुम्हें बताया गया था कि ये अच्छा गा रहा है? जी अच्छा, तो घर वाले सपोर्ट करते हैं? जी घर वाले, पूरा फैमिली सपोर्ट करता है एकदम अच्छा से, अच्छा, मतलब घर वाले चाहते हैं कि मेरा बच्चा? बन जाए। अच्छा, कोई और गीत बताओ जो तुम्हारा भी तो बोले कि 200-300 गाना गा, अपना गाना कोई याद हो दो लाइन जो तुम अच्छा, गाए हो? मेरा गाना जो हिट चला है, जो अच्छा, चल रहा है मार्केट में हल्का फुल्का, हाँ हाँ वो है केरा बेरा पर खोई हो, केरा बेरा पर खोई हो, ये भी गाना है। और एक ये सैड सॉन्ग है, लादी के चल गईलू गम के बोझा, जाके ते रहता रे पियवा के सोझा, लादी के चल गईले गम के बोझा, जाके ते रहता रे पियवा के सोझा, कोई से भुला गईले हमसे जुदा भईले, जिंदगी के हमरा को देले बर्बादी बादी, मर जबरी भइल शादी, मर जबरी भइल शादी। क्या बात है। अच्छा साहिल, तुम्हें अभी तक जितने भी लोग देख रहे होंगे, जी तुम नए कलाकार जो तुम्हारे उम्र के होंगे, तुमसे बड़े होंगे, या फिर जो इस फील्ड में आना चाह रहे होंगे जी जिनको पता नहीं होगा, उनके साथ भी ऐसा हो सकता है कि कोई स्टूडियो वाले या फिर कोई कंपनी वाले बुलाए? और जो सब सब तो वैसे नहीं है भोजपुरी, लेकिन कुछ जी लोग वह हैं जो पैसे ऐंठ लेते हैं और फिर वो जी बदल जाते हैं, वैसे सिंगरों से क्या कहना चाहोगे, क्या उनको करना चाहिए तैयारी? हम तो उन लोगों को यही कहना चाहेंगे कि अच्छे स्टूडियो में जाएं, अच्छा अच्छे जगह पर जाएं, ऐसा जगह पर जाएं कि जैसे काम भी अच्छा है, पैसा भले से लगे लेकिन काम अच्छा है। अच्छा काम अच्छा हो
पैसा 2 रुपए ज्यादा ले लेकिन लो अच्छा काम हो, ये अच्छा नहीं कि काम हो, काम भी ना हो पैसे भी लेके हाँ जाए। लूटपाट हो जाए जैसे हाँ है लूटपाट, मेरे साथ हुआ है। लूटपाट हो जाए, सही बात है। जिसके घर अगर वो गरीब फैमिली से होगा तो उसका तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि जी 18,000 जी एक अच्छा रकम होता है, किसी का एक सैलरी होता है मंथली। चलो साहिल, हमारे धुन म्यूजिक यूट्यूब चैनल की ओर से पूरा तुम्हें बेस्ट ऑफ लक है कि तुम गाना गाओ, अच्छा करो, मार्केट में नाम करो। और जहाँ तक बताया कि तुम्हारे गाने मिलियन में जाते हैं, कौन सा गाना मिलियन में गया था? बता रहा हमारे के बनाला अच्छा, बतार हमरे के बना ला, मिलियन में गए थे। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद साहिल जी, आप हमारे धुन म्यूजिक जी यूट्यूब चैनल के लिए इतना समय निकाल कर ढेर सारी बात बताए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।